पहले ही दिन यूपी के दो लड़कों के तेवर देख मोदी का उतर गया रंग। शहंशाह को शहजादों ने अपनी ही पिच पर आने के लिए कर दिया मजबूर। अगली पंक्ति में राहुल अखिलेश संग बैठे अयोध्या के सांसद अवधेश। विपक्ष के हाथों में भारत का संविधान देख हिल गई सरकार। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र यादव और द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लोकसभा के सदस्यों के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। हाथ मिलाने के बाद वह उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए और इसके बाद वह संसद के बाकी सदस्यों की ओर मुड़ते हैं। मोदी जैसे ही सभा की बाईं तरफ मुड़ते हैं, संविधान की प्रति लिए दो लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। विपक्षी खेमे कि पहली सीट पर बैठे ये दोनों लड़के नई लोकसभा में बदलाव का वह चेहरा है जिसे लेकर मोदी सरकार के तीसरे टर्म की टीम में पर्याप्त बेचैनी है। हालिया लोकसभा चुनाव में ये दोनों नेताओं की ये जोड़ी भाजपा के लिए जितनी चुनौती थी उससे ज्यादा बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए सदन में साबित हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार 2017 में यूपी विधानसभा में साथ आए थे, तब इन्हें यूपी के लड़के बोलकर पीएम ने इनका खूब मजाक उड़ाया था। हालांकि तब राहुल गांधी अखिलेश को वैसी सफलता नहीं मिली जैसा वे चाहते थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों फिर से साथ आए, इस बार तो कमाल ही कर दिया। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर धार्मिक राजनीति की लहर बनाने वाली भाजपा को न सिर्फ उसके गढ़ अयोध्या में पटखनी दी, बल्कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटें उससे छीन ली। राहुल गांधी ने रायबरेली से जीत दर्ज की तो वहीं अखिलेश यादव भी करहल से विधायकी छोड़ कन्नौज से सांसद बन गए। जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ तभी से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही थी। देश भर से कलश यात्रा निकाली गई, अक्षत बांटे गए, प्राण प्रतिष्ठा में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सबको दरकिनार कर खुद ही सब कुछ किया, विपक्ष को अपनी धर्म की पिच पर लाकर परास्त करने के लिए पूरे चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम मटन मुगल मंगलसूत्र करते रहे, शायद विपक्ष भी इस बात को अच्छी तरह से भाप गया था कि जिस धर्म के पिच पर बीजेपी खेल रही है वहां पर वह बोल्ड हो जाएगा। इसलिए विपक्ष ने भी बड़ी समझदारी से संविधान, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि जनता के असल मुद्दों की पिच तैयार की और पूरे चुनाव में इन्हीं मुद्दों की पिच पर खेलते हुए बीजेपी को नाकों चने चबवा दिया। या यूं कहें कि बीजेपी और मोदी को अपनी पिच पर लाकर मजबूर कर दिया। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे उन्हें संविधान के आगे झुकना पड़ा और जनता को बताना पड़ा कि यही संविधान नहीं बदलेंगे। यूपी में अखिलेश के पीडीए ने बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका दिया, जो कह रही थी कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे उसे मात्र 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। जिस अयोध्या को लेकर खूब भौकाल बनाया गया वहां से भी सपा ने दलित प्रत्याशी उतार कर बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।